वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी। यूट्यूब की इस दिला टेकरण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी टेंजेंट की सीरीज चल रही थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट कंटिन्यू था। तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट 8 के अंदर क्या कुछ नया है और क्या आपको सीखना है डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है रेडियस 3 सेंटीमीटर का। टेक पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक रफ पेज के अंदर दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या कहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मेरे पास एक रफ पेज है, उसमें आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। आपको एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका ये सेंटर है। उस सेंटर से ये तो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का है। अब इस सेंटर से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे पॉइंट क्यू लेना है और इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर पे पॉइंट पी लेना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से ऐसे टेंजेंट बनाने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये कैसे बनाएंगे आप देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ ताकि ये जो पूरा वर्क स्पेस है वो आपको दिखे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर का सर्कल, आई थिंक सो इसके अंदर नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मैं 3 सेंटीमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाऊँगा ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने, चलो 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ओके, 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है मैंने। आपको दिखाई दिया है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। चलो, अब ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ होके रेडी हो चुका है। इसका सेंटर ले लेते हैं। ओ, अब मुझे इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना था। ये रहा, इसका नाम दिया मैंने Q पॉइंट। और इस साइड भी मुझे सर्कल के सेंटर से दूर एक पॉइंट लेना था जिसका नाम देना था मुझे P पॉइंट। ठीक है, अब इस लाइन को मैं जॉइन कर देता हूँ। ओके, जॉइन कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस पॉइंट, जैसे मैंने आपको रफ डायग्राम में दिखाया था क्या करना है, ये जो पॉइंट है इससे और इससे आपको टेंजेंट बनाने थे। तो कैसे बनाना है टेंजेंट मैं आपको दिखा दूं वापस फिर से। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ और पी का, ये जो पॉइंट ओ और पी आपको दिख रहा है इसका मोर देन हाफ लेकर हम इसको बाइसेक्ट लेते हैं। तो इस पॉइंट ओ और पी का मोर देन हाफ लेकर हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम मैं इसको भी ऐसे बाइसेक्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों के मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर थे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर से मैं इस पॉइंट पी से भी इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ। ओके, चलिए ये बाइसेक्ट हो चुके हैं। राइट, अब क्या करना है, इस जो पॉइंट आपके पास बाइसेक्ट होके आ चुके हैं, जैसे ये दे दिया मैंने एम डैस, ये दे दिया एम डैस। ठीक है, और ये दे दिया मैंने एन डैस और ये दे दिया मैंने एन डैस। इसको हम हल्का हल्का कनेक्ट करेंगे।
इसको हल्का हल्का कनेक्ट करना है। चलो ये कनेक्ट हो गया, इसको भी हल्का हल्का कनेक्ट करना है। चलो ये भी कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजरमेंट ले लेंगे, और यहाँ से जैसे इसका सेंटर पॉइंट आया था ये लाइन से, तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। दो तीन बार आप ये क्वेश्चन को देखोगे तो आपको डेफिनेट क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे सब में ये स्टेप्स कॉमन ही रहते हैं, ठीक है। चलिए ये दो सर्कल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। सर्कल इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें सर्कल के ऊपर पॉइंट्स मिले। देखो यहाँ पे, देखो दो सर्कल आपस में चार जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं इनको यहां से ज्वाइन कर लेता हूं। देखिए मैं आपको रफ डायग्राम बना देता हूं फिर से। इसके यहां से और यहां से आपको यहां कनेक्ट करना था, तो रेड से बना, पेंसिल से बनाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। चलिए यहां पे ये ज्वाइंट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, दो टेंजेंट बन के रेडी हो चुके हैं। इसको आपको एरो कर देना है, टेंजेंट वन टेंजेंट टू, और मैं इससे बनाऊंगा ये हो गया टेंजेंट थ्री, और ये बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर पॉइंट टेंजेंट फोर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, काफ़ी आसान है। हर एक के अंदर हर क्वेश्चन में एक जैसे ही स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहो तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए टॉपिक के साथ पार्ट 9 में कंस्ट्रक्शन का एक नया टॉपिक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।